प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्राम पंचायत सिंगावल मजरा मथाना खटाना खेड़ा, उसके अंदर हमारे ग्राम मथाना की और खटाना खेड़ा की चरागा भूमि स्वैच्छिक भूमि आबादी सभी क्षेत्र उसी में है। गांव वालों के बाहर जाने के वाले एक भी इंच जगह नहीं है, है जिस जगह पे लगातार एक बार सन 2011 में भी आए, उस टाइम भी सब ग्रामवासी मिलकर अवैध निर्माण करने वाले को तुरंत वापस भगाया हो, और अब की बार फिर ग्रामवासी को अंधेरे में रखकर और अवैध खनन करना चाहते हैं। इसके लिए हम ग्रामवासी पूरे विरोध में हैं, चाहे जन आंदोलन करना पड़े, धरना देना पड़े, चाहे मरना पड़े, मगर अवैध खनन करने वाले को एक इंच जमीन में एक जेसीबी का एक खुरपा नहीं रोपने देंगे। आपका नाम बताएं। सहदेव गुजर, पूर्व सरपंच सिंगावल। हमारे ग्राम पंचायत सिंगावल के अंदर ग्राम खटाना केड़ा हूँ मथानिया के अंदर चरागा अपने स्वैच्छिक भूमि के अंदर अवैध लीज किसी को आवंटन कर दी। उस लीज को हमने पहले भी इसको निरस्त करा दिया। 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अवैध लीज थी वो सारे बंद कर दिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनने पे कांग्रेस के कुछ लोगों ने अपनी सरकार के दबाव में और प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है, उस लीज को चलाना चाहते हैं। हम सब ग्रामीण ये चाहते कि वो हमारे गाय चरने के लिए ज़मीन वही है, वो ज़मीन हमारी बची रहे। उसके लिए हम जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं सब ग्रामीण। हम पिछले 3 दिनों से वहाँ तहसीलदार SDM को ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम आज जिला कलेक्टर महोदय को उस लीज को बंद करवाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए और ज्ञापन देने आए। नाम बताएं। सूरजकरण गुजर, देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष।